पंजाब चुनाव से पहले एक तरफ कांग्रेस का कुनबा बिखर रहा है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की साख बढ़ रही है। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया और अब भाजपा की पुरानी सहयोगी पार्टी अकाली दल की भी घर वापसी की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही पंजाब चुनाव में बड़े उलटफेर होने की संभावना भी बढ़ गई है। दरअसल पंजाब में कांग्रेस की आंतरिक कलह और कृषि कानून की वापसी के बाद समीकरण बदल गए हैं। कांग्रेस से अलग होकर पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी बनाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह को इसी समय का इंतजार था। उन्होंने भाजपा के साथ सहयोग की बात तो पहले ही कर दी थी, लेकिन गठबंधन के लिए किसान आंदोलन के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही किसान आंदोलन खत्म हुआ तो उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत शुरू कर दी और फिर दोनों पार्टियों ने विधानसभा चुनाव में गठबंधन की घोषणा कर दी। कैप्टन के भाजपा के साथ आने के बाद कांग्रेस की ताकत कम हो गई है, साथ ही अकाली दल का समीकरण भी बिगड़ गया है। इसके कारण अकाली दल भी घर वापसी की तैयारी कर रही है। करीब 4 दशक तक भाजपा के साथ गठबंधन करने वाली अकाली दल को अब एनडीए में वापसी करने में कोई रुकावट भी नहीं है। अकाली ने कृषि कानून के विरोध में ही भाजपा का साथ छोड़ा था। अकाली दल पंजाब की पार्टी है जहां पर कृषि कानून का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था। ऐसे में अकाली दल को लगने लगा था कि अगर भाजपा के साथ गठबंधन बरकरार रखते हैं तो किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा नुकसान उसे ही होगा। यही कारण है कि अकाली दल ने दशकों पुराना गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन अब ये वजह भी खत्म हो चुकी है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जा चुका है, किसान भी अपने घर लौट गए हैं और अब भाजपा के खिलाफ उनके अंदर कोई खास गुस्सा भी नहीं है। और ऐसे में अकाली दल को भी भाजपा के साथ गठबंधन करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के भाजपा के साथ आने से कांग्रेस के साथ साथ अकाली दल को भी बड़ा झटका लगा। और अगर अकाली दल अकेले चुनाव लड़ती है तो पंजाब में 4 ध्रुव बन जाएंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भाजपा विरोधी वोटों पर निगाह गड़ाए हुए है तो भाजपा से नाराज वोटर अकाली के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर चुनाव से पहले अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नहीं भी हुआ तो भी चुनाव के बाद इनका फिर से गठबंधन हो जाएगा और ऐसी हवा चुनाव में किसी पार्टी को हराने के लिए काफी होती है। इसी कारण अब अकाली दल को लगने लगा है कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ देना जरूरी है और ऐसे में अकाली दल भी इस गठबंधन का हिस्सा बनने की कोशिश करेगी। हालांकि भाजपा इस बार पंजाब चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर सतर्क है और पहले से ज्यादा सीटों की मांग भी करेगी। इसके कारण अकाली को भाजपा के साथ अब केवल उनकी शर्त पर वापस नहीं लाया जा सकता है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी पंजाब में अब अपनी शर्त रखने को तैयार है। लेकिन इस सब के बावजूद अकाली दल को अब भाजपा के साथ आने को मजबूर होना पड़ेगा ताकि पंजाब और केंद्र दोनों जगह उसे सत्ता के साथ रहने का मौका मिल सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।